नमस्कार दोस्तों, हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और दोस्तों अभी हम हैं शहडोल की सब्जी मंडी के पास में, और ये जो सजावट वगैरह दिख रही है तो आप समझ ही गए होंगे, ये हम आपको दुर्गा माता जी के दर्शन कराने के लिए लाए हैं। और जैसे ही हम सब्जी मंडी के पास पहुँचते तो सबसे पहले हमें यहाँ पर विराजी दुर्गा माता जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आप भी घर बैठे ऑनलाइन दर्शन करिए। और पिछली वीडियो में आपने पंचायती मंदिर कैंपस में जो भूतिया पंडाल बना हुआ है, वहाँ जो विराजी दुर्गा माता जी, वहाँ का आपने दर्शन किया होगा, और मैं समझता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे बढ़िया गर्मा गर्म प्रसाद वगैरह मिल रहा है, तो हम भी प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं और चलते हैं सब्जी मंडी के अंदर, जो दुर्गा माता जी बैठे वहाँ भी दर्शन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सुंदर सजाया गया है, चारों ओर झालर वगैरह लगाई गई है, और वहीं फल वगैरह भी बिक रहा है। तो सभी प्रकार के फल अभी इस सीज़न में आ चुके हैं, चूँकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और कुछ मोबाइल शॉप्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और कुल मिला के अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सभी प्रकार की दुकानें मिल जाएगी। स्पेशली शनिवार को तो काफ़ी भीड़ रहती है, और सजावट की तो भाई क्या ही कहने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा झालर वगैरह का डेकोरेशन दिया गया है, और ये देखिए कितनी भीड़ है लोगों की, जबकि आज सप्तमी तिथि है और अष्टमी नवमी की तो भाई काफ़ी भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम आ गए हैं आज दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराने के लिए। और काफ़ी सुंदर सजावट की गई है, और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और यहाँ की बात की जाए तो हर वर्ष काफ़ी मतलब भव्यता के साथ, धूमधाम के साथ विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। और ये देखिए दुर्गा माता जी का जो स्टेज है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उतना ही अच्छा जो सजावट है, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह हैं, फूल पत्ती, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो ये आप भी घर बैठे दर्शन करिए। जय दुर्गा माता जी। तो चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं स्थानीय गल्ला मंडी में, और गल्ला मंडी के पास भी काफ़ी भव्यता के साथ दुर्गा माता जी की स्थापना की गई, तो वहीं चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गल्ला मंडी के पास में, यानी कि गंज के पास में, और गंज के पास में भी हर साल यहाँ पे दुर्गा माता जी की स्थापना की जाती है। और ये देख सकते हैं गंज का एक नज़ारा, शाम का समय है, रात का समय है, और दिन के समय काफ़ी भीड़ भाड़ रहती, काफ़ी चहल पहल रहती है यहाँ पर। और चलिए चलते हैं हम दुर्गा जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक चाट वाले भैया हैं, काफ़ी अच्छा गुपचुप यानी कि फुल्की खिलाते हैं, एक दो बार मैंने भी खाया है। और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया गया भाई साहब यहाँ पर भी। और पिछले वर्ष आपको याद होगा जो यहाँ पे बगल में शेड बना हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर दुर्गा जी बैठे हुए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर बैठाए हुए हैं सामने में, खैर कोई इशू नहीं है। और काफ़ी सुंदर सजावट की गई यहाँ पर भी। तो आप भी घर बैठे ऑनलाइन दर्शन करिए। जय दुर्गा माता जी। और ये जो ज़बरदस्त एवं भव्य सजावट देख रहे हैं, शंकर टाकिज के पास में है। और चले चलते यहाँ पर भी हम चलते हैं और दर्शन करते हैं दुर्गा माता जी के। और वाकई में काफ़ी तारीफ़ करनी होगी यहाँ के सजावट की, मतलब जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है झालरों का, वो काफ़ी मनमोहक लग रहा है। और दोनों ओर दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, ट्रैफिक भी अपना चालू है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि अष्टमी और नवमी को भाई काफ़ी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा या दोपहिया वाहन यहाँ पे अलाउ होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग पैदल आते हैं दर्शन करने के लिए। आज चूँकि सप्तमी तिथि है तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे अभी आरती हो रही है, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल भी हैं आरती में, तो हम भी शामिल हो जाते हैं, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आरती में शामिल होने का। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल में तो हमारा शेडो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।